डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने चैनल परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो यस लर्नर्स, आज मैं आपके साथ सीएस 11 थ्योरी ए ई कॉमर्स डिस्कस करने जा रही हूँ। व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज कॉमनली रिटन एज ई कॉमर्स। तो कई बार हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं, कई बार ई कॉमर्स। नाउ व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क सच एज इंटरनेट, राइट? तो ई कॉमर्स में हम गुड्स को अगर सेल परचेज करना है, या सर्विसेज हमने देनी है, या इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क का होना जरूरी है, सच एज इंटरनेट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज शेयरिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन। बिजनेस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को यूज किया जाता है। मेंटेनिंग बिजनेस रिलेशनशिप्स एंड कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन बाय मींस ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने बिजनेस इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप करने हैं, या ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन करनी है, उसके लिए हम ई कॉमर्स को यूज करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। इन 1960 ई कॉमर्स पर्पस वाज टू एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक डेटा लॉन्ग डिस्टेंस। 1960 में ई कॉमर्स का सिर्फ मीनिंग क्या था कि अगर आपने अपने डेटा को एक्सचेंज करना है लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, तो ई कॉमर्स को यूज किया जाएगा। द वर्ल्ड वाइड वेब plays a major role in the implementation of e-commerce in most of the organization. So www ne important role play kiya e-commerce ki implementation mein. EDI replaced traditional mailing and faxing of documents by allowing a digital transfer of data from one computer to another. Yes students, what is EDI? EDI ke upar aapko full fledged question aata hai, bahut important hai. ये कंसेप्ट मैं आपके साथ आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही आप जान लो दैट ईडीआई ने ट्रेडिशनल मेलिंग और फैक्सिंग सिस्टम को रिप्लेस किया और जो डाटा है वो डिजिटल ट्रांसफर होने लगा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। नाउ 1960 से लेके 1990 तक देख लेते हैं कि ई कॉमर्स ने और क्या क्या किया। The invention of electronic data interchange helped to share invoices and receipts. तो EDI की हेल्प से जो है receipts और invoices जो है वो क्या होने लग पड़ी, शेयर होने लग पड़ी। ट्रेडिंग डाटा फॉर्मेट सेट हुआ जिसको हम ASCII X12 बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में। फिर उसके बाद वैल्यू एडेड नेटवर्क आया विच इज यूज एज शॉपिंग ऑर्डर एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड। माइकल अल्ड्रिच जिसको के पायनियर बोला जाता है फॉर इन्वेंटिंग टेली शॉपिंग, एक इंग्लिश एंटरप्रेन्योर था जो इस पीरियड में आया। फ्रांस लॉन्च्ड मिनीटेल। यस, मिनीटेल सिस्टम आया फॉर ऑनलाइन फ्री सर्विस फॉर टेलीफोन सब्सक्राइबर। इन 1990 से लेके 1994 तक ई कॉमर्स की हिस्ट्री देख लेते हैं। टिम बर्नर्ली एंड रॉबर्ट कैल्यू प्रपोज द आइडिया ऑफ हाइपरटेक्स्ट प्रोजेक्ट। द इंस्पिरेशन वाज डिजाइन्ड एंड मॉडल्ड बाय CERN एज वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर क्रिएटेड द फर्स्ट वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर। तो ये आपके वाइवे का क्वेश्चन है कि विच was used for first web server and web browser, that is your next computer. The NSF wished up its restriction to use net and domain names were registered for commercial purpose. The NSF started charging a registration fee for domain names. कि अगर domain हमने लेना है उसके लिए जो charges हैं वो NSF ने लेने start कर दिए। Next is SSL। ये नेटवर्क में हम पढ़ते हैं द सिक्योर सॉकेट लेयर। इट इज एन एनक्रिप्शन सर्टिफिकेट विच वाज डेवलप्ड बाय नेटस्केप। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसकी ई कॉमर्स की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है? इसमें बहुत सारे वाइवा के क्वेश्चन हैं
जो आपको शॉर्ट आंसर्स में पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री तो शायद एज इट इज नहीं, कई बार नहीं पूछी जाती, बट कई बार ऐसे होता है कि पूछा भी जाता है, दैट एक्सप्लेन द हिस्ट्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जेफ बिजोस फाउंडेड अमेज़न एज द फर्स्ट ऑनलाइन बुक स्टोर। तो अमेज़न जो है वो स्टार्ट किसने करी थी? जेफ बिजोस ने। अनदर सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स स्टोरी इज एन ऑनलाइन ऑक्शन साइट ईबे। नेक्स्ट, मीवा लॉन्च द फर्स्ट कैटालॉग बेस्ड स्टोर फॉर ई कॉमर्स मार्केट। वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टेड ओवर द इंटरनेट यूजिंग ई कॉमर्स। डेल रैंक्ड एज द मेगा ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर बाय अचीविंग वन डे ऑनलाइन सेल्स ऑफ $1 मिलियन। नेक्स्ट, पेपाल स्टार्टेड इट्स सर्विसेज एज द फर्स्ट ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी। नेक्स्ट इज 2001 टू 2010, एमेजॉन लॉन्च ई कॉमर्स साइट विथ मोबाइल कंपेटेबिलिटी। एमेजॉन अनाउंस्ड ए मेंबरशिप ऑफरिंग द एमेजॉन प्राइम। नेक्स्ट, द पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल वॉज फॉर्म्ड टू एंश्योर security compliance requirement. So these inventions जितनी भी हुई ये सारी e-commerce की development के लिए हुई. So the innovation and improved user experience led many investors as well as buyers to enter into the game. So it is all about, ये कुछ important point थे history के जो आपके syllabus में है, that explain history of ई-कॉमर्स। तो मैंने कोशिश की है आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने की, ठीक है? तो डियर लर्नर्स, अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरे को मोटिवेट करने के लिए जो है वो लाइक प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।